just the grassy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। सबसे पहले कल के एनालिसिस का रिव्यू करते हैं। आज वीकली एक्सपायरी का दिन था तो काफ़ी वोलेटाइल मूव आज बैंक निफ्टी और निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जैसे कि कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 15,144 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 15,072। तो ये 5 मिनट का आज चार्ट निफ्टी का कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। निफ्टी इंडेक्स गैप अप ओपन हुआ, जो ग्लोबल क्यूज थे काफ़ी पॉजिटिव थे लेकिन सस्टेन नहीं हो पाए वहाँ पर। एग्जैक्ट सेकेंड टारगेट के पास ही इसने रेजिस्टेंस फेस किया और जैसे ही यहाँ से टूवर्ड साउथ की तरफ आया और फिर से जब एक बार बाउंस बैक हुआ तो ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 15,169 अचीव हुआ, सेकेंड टारगेट 15,192 ये भी अचीव हुआ और ऑलमोस्ट वह फर्स्ट टारगेट के लेवल के पास आकर ये क्लोज हुआ। तो जो लेवल्स मार्क किए थे काफ़ी एक्यूरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल साबित हुए। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 23 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 17,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। यह था अभी कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू। अभी फ्राइडे के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। एक बार डेली चार्ट को देख लेते हैं। जैसे कि हमने कुछ दिनों पहले भी एक यहाँ पर एक पैटर्न बन सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अगर इसे मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर हो सकता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने, जो कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है बेरिश टू बुलिश। तो ये हो सकता है लेफ्ट शोल्डर, ये हो सकता है हेड और ये अभी बन रहा है राइट शोल्डर। अभी तक बना नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है, बन सकता है, प्रोबेबिलिटी है। तो अगर ये बनने के बाद अगर इस नेक लाइन को ब्रेक करेगा, ये नेक लाइन को ब्रेक करता है इस तरह से इसके ऊपर, तो यहाँ से ज़बरदस्त और तेज़ी निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। तो ये प्रोबेबिलिटी है, ये ऐसा ही होगा, ये कहा नहीं जा सकता। तो अभी फिलहाल ट्रेंड भी बुलिश है क्योंकि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म ये तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो ट्रेंड बुलिश है ऐसा मानकर हम चल सकते हैं। तो 60 मिनट के चार्ट पर चलते हैं, क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकती है फ्राइडे के लिए उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अभी फ्राइडे के दिन अगर ये लेवल जो है आज का हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल नहीं, आज का हाई जो है इसी के पास कुछ दिनों पहले इसने एक बाउंस बैक जब भी दिखा रहा था तभी रेजिस्टेंस फेस किया था। तो आज के हाई के ऊपर यानी 15,216 के ऊपर अगर सस्टेन करता है फ्राइडे के दिन तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 15,235, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 15,257, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और आज जो हमारा ब्रेकआउट लेवल मार्क हुआ था यानी आज का लोएस्ट क्लोजिंग लेवल आर्ली चार्ट में 60 मिनट के चार्ट में लोएस्ट क्लोजिंग लेवल 15,141 के नीचे अगर सजा चला जाता है फ्राइडे के दिन, सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 15,124, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 15,107, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये फ्राइडे के लिए है इंट्राडे लेवल्स निफ्टी के लिए। अभी बैंक निफ्टी के लिए क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर ये आज का हाई जो यहाँ पर बन रहा है, आज का ये जो हाई यहाँ पर बन रहा है 36,181 इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाइंग पोजिशन बना सकते हैं फ्राइडे के दिन और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 36,272, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 36,345, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ चला जाता है तो आज का जो लोएस्ट क्लोजिंग लेवल है आर्ली चार्ट में बैंक निफ्टी का, जो कि 35,885 के नीचे अगर चला जाता है फ्राइडे के दिन तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 35,824, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 35,749, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है फ्राइडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें
सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।